गुड़गांवा, गुरुग्राम कुछ भी कह लीजिए, दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा नाम है। और अगर राजनीति की बात की जाए तो गुड़गांवा और रोहतक दो ही ऐसी जगह है जहां से राजनीति शुरू होती है। और सबसे ज्यादा जो फाइनेंशियली तौर से सपोर्ट करती है चीजों को पूरे हरियाणा को, वो है गुड़गांवा ही। तो चलिए, आइए आपको आज बता दूं मैं कि जब भी आप प्रॉपर्टी फाइंड आउट कर रहे हैं गुड़गांवा में और एक बजट आपने डिसाइड किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ रुपए का, 100% रुपीज आप लगा के चले 1 करोड़ रुपए को, तो आपको सिर्फ 1 करोड़ ही नहीं, साथ में उसका 10% और अरेंज करना होगा। और वो क्यों? क्योंकि यहाँ की स्टैम्प ड्यूटी ही इस तरह से है कि आपको 9% तक की स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ सकती है। तो चलिए, आइए इस वीडियो में देखते हैं कि एक्चुअल स्टैम्प ड्यूटी कितनी है गुड़गांव के अंदर और कितना आपको बजट एक्स्ट्रा लेना पड़ता है जब आप गुड़गांव में प्रॉपर्टी फाइंड आउट कर रहे हैं। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी फाइंड आउट कर रहे होते हैं, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, दो तरीके से आप प्रॉपर्टी के पैसे देते हैं। जब आप प्रॉपर्टी किसी से खरीदते हैं तो एक मोटा अमाउंट उसको दे देते हैं, और दूसरा तरीका जब जब आप अपने नाम उस प्रॉपर्टी को रजिस्टर करा रहे होते हैं तो दूसरा पैसा आपको स्टैम्प के तौर पे सरकार को देना होता है। पैसे तो आपकी जेब से ही जा रहे हैं, यानी कि 100% वहां जा रहा है और 10% सरकार को जा रहा है। ऐसा क्यों कहा मैंने, तो आइए चलिए मैं आपको बता देता हूं। दरअसल क्या है, गुड़गांव में इस वक्त जो मैक्सिमम स्लैब है स्टैम्प ड्यूटी का, वो 9% है। कोई नहीं, मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे देखिए, गुड़गांव को पहले दो एरिया में डिवाइड किया हुआ था। पहले एरिया में डिवाइड में जो था वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर था, जो कि सेक्टर 1 से लेके सेक्टर 57 तक था। तो और वहां पे जो स्टैम्प ड्यूटी रिवेन्यू जो आपसे वसूला जाता था वो था 5, 6 और 7% का। और उसके अलावा थे सेक्टर 58 से लेके सेक्टर 118 सेक्टर तक, यानी कि आप इसमें नए सेक्टर सभी जोड़ लीजिए, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बाहर होते थे और वहां पे वसूला जाता था 3, 4 और 5। यानी कि 3 किसके लिए है, फीमेल के लिए, 4 किसके लिए, जब आप फीमेल और मेल ज्वाइंट होकर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, और जो 5% आपको पे करना पड़ता था वो जहां पे सिंगल मेल प्रॉपर्टी अपने नाम करवाता था तो उसको 5% पे करना होता था। पर दिसंबर 2020 के बाद, यानी कि जनवरी जहां नया साल आया, वहां पे इन सभी जो सेक्टर्स होते थे 58 से लेके 118 सेक्टर तक, उन सभी को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर डाल दिया गया। यहां दोनों में फर्क यह होता था कि अगर कोई सेक्टर, कोई प्रॉपर्टी, कोई एरिया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर है तो वहां 2% एक्स्ट्रा आपसे स्टैम्प वसूला जाता था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नाम पे। तो जब से ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर आ गए हैं सेक्टर 58 से लेके सेक्टर 118 तक, तो यहां पे भी अभी 5, 6, 7% एप्लीकेबल हो गया था। बट हुआ क्या, 8 अप्रैल 2021 को एक फाइनल अमेंडमेंट और आया गवर्नमेंट की तरफ से कि जितने भी गुड़गांव के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं वहां पे 1% और बढ़ा दिया जाए। यानी कि आप समझिए कि जहां 5, 6, 7 सिर्फ सेक्टर 57 तक था, उसके बाद सारे सेक्टरों में 5, 6, 7 एप्लीकेबल हो गया, और 1% और एक्स्ट्रा बढ़ाए जाने पे ये हो गया 6, 7 और 8%। अच्छा, आप कहेंगे कि मैंने तो 9% का बताया था, 6, 7, 8% तक क्यों रुक गया मैं? देखिए, गुड़गांव के अंदर एक नॉर्म अलग से है कि जब भी आप कोई हाई राइज प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई प्लॉट आप खरीदते हैं या फिर कोई लैंड का हिस्सा आप खरीदते हैं, तो आपको इस रेशो के हिसाब से पे करना पड़ेगा, 6, 7 और 8। बट आप कोई बिल्डर फ्लोर खरीद रहे हैं तो सरकार ने यहां निर्धारित किया हुआ है कि आपको 1% एक्स्ट्रा देना होगा, यानी कि इस वक्त आप एप्लीकेबल हो गए 7, 8 और 9। और साथ में अगर आप किसी ब्रोकर को, मीडिएटर के साथ प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो डेफिनेटली उसकी सर्विस चार्ज भी आपको देने होंगे, और 1% का आपको सर्विस चार्ज उसको देना पड़ सकता है। अगर ऐसा हुआ और अगर आप मेल हैं, सिर्फ अपने नाम प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, बिल्डर फ्लोर खरीद रहे हैं, तो आपको 10% के चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो हो गया ना कि 100 प्लस 10%, यानी कि 110% आपको पे करना पड़ेगा। तो ये एक कैलकुलेशन थी जो मैंने आपके सामने रखी है कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं गुड़गांव में तो अपनी सिर्फ प्रॉपर्टी की वैल्यू ही नहीं, साथ में जो एक्स्ट्रा खर्चे उस पर जुड़ने वाले हैं वो भी अरेंज जरूर करके रखिएगा दोस्तों, क्योंकि इसके अलावा तो मैंने अभी इंटीरियर का जिक्र ही नहीं किया है। उसके अंदर फॉल सीलिंग कराएंगे, एसी रहेगा, आपका फर्नीचर आएगा, वो एक अलग बात है। और यहां सिर्फ प्योरली
गुड़गावा की प्रॉपर्टी अगर आप खरीदते हैं तो उस पर कितना खर्चा आने वाला है वो मैंने यहाँ पे बताया है। अच्छा, यहाँ आपको एक चीज और बता दूं कि इस वक्त गुड़गांव में दो कॉरपोरेशन है, एक है पुरानी वाली कॉरपोरेशन गुड़गावा वाली यानी कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ गुड़गावा, और जो दूसरी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो है मानेसर की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ मानेसर। तो जो अगली वीडियो होगी मैं वो उसी के ऊपर बताने वाला हूँ कि आपको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ मानेसर के अंदर कौन कौन से सेक्टर आ गए हैं और क्या क्या वहाँ फैसिलिटीज अभी एड ऑन होने वाली है और क्या फायदा होगा न्यू सेक्टर को, न्यू गुड़गावा के उन सेक्टर्स को कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आने के बाद। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और कमेंट करके यार बता भी दिया करो, अगर कोई कमी रह गई है या फिर मैं कुछ बताना भूल जाता हूँ तो प्लीज वो मैं आगे से उसमें ऐड करना शुरू कर दूँ। आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।